हेलो व्हाट्सअप आर सामी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, मेरा नाम है अक्षय द्विवेदी और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस यार, इस वीडियो के पहले ही मैंने एक टाइमलेस वीडियो डाला है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा यार, तो जाओ जाकर उस वीडियो को देखो यार, वीडियो को एंजॉय करो, ठीक है। क्योंकि उस वीडियो के बारे में ही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस यार, आप ये सोचोगे यार कि क्यों बता रहे हो, मतलब उस ड्राइंग के बारे में इस वीडियो में क्यों बता रहे हो, ऐसा क्या है उस ड्राइंग में, ठीक है। मैं उस ड्राइंग के बारे में इसलिए बात करने जा रहा हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप उस तरीके के या फिर उसके रिलेटेड कुछ भी ड्राइंग करते हो ना गाइस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यार कि आपकी ड्राइंग को, आपकी शेडिंग को इम्प्रूव करने में कोई भी नहीं रोक सकता यार, 101% आपकी शेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस यार, इस वीडियो में हम उस ड्राइंग के बारे में पूरा अच्छे से रिलेटेड, उसके बारे में जितना सब कुछ है सब इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे ये पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ यार कि उस तरीके की ड्राइंग्स अगर आपको नहीं किए हो, ठीक है, अभी तक तो यार करना शुरू कर दो, बिकॉज गाइस ये आपकी शेडिंग को ना इतनी अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने वाला है ना गाइस, मतलब आप अपने ना अपकमिंग ड्राइंग्स में ना उसका इफेक्ट देख सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला वीडियो, ठीक है। आपको ना नया नया पॉइंट्स जानने को मिलेगा, ठीक है। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि इस वीडियो को यार शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। सो गाइस यार, अगर आप इसको शेयर करोगे ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, आप तो सीखोगे ही, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो भी जो सीखना चाहते हैं ड्राइंग, वो भी अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो गाइस यार, चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम फोड़े। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। सो गाइस यार, लास्ट वीडियो में जो मैंने ड्राइंग किया था ना गाइस, अगर आपको उस ड्राइंग को डाउनलोड करना है तो यार उस वीडियो में जाओ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर क्लिक करके आप उस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वो जो ड्राइंग मैंने किया है ना, उस ड्राइंग का नाम क्या है, ठीक है, वो एक तरीके का फोटोग्राफी होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको प्रिंटरेस्ट में जाना है और वहां सर्च करना है शटर शूट फोटोग्राफी, ठीक है। जब आप शटर शूट फोटोग्राफी करोगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब बहुत सारे इसके रिलेटेड ड्राइंग्स आपको मिल जाएगा, मतलब फोटोग्राफी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप उसको सिंपली क्या करो, डाउनलोड करके, ठीक है, आप उसको ड्रॉ करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो बस कुछ इतना सा ही सिंपल सा काम है, आप उसको इस तरीके के, इस टाइप के इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो गाइस यार, यूजुअली अगर आप इस टाइप के ड्राइंग को डाउनलोड करते हो ना गाइस, और इसको ड्राइंग करना शुरू कर देते हो, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं यार, आपका जो लाइट और डार्क जो शेडिंग है ना, वो अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब भाई कैसे इंप्रूव होगा, ठीक है। देखो पहली बात ना, अगर आप इस ड्राइंग में देख रहे हो, ठीक है, रेफरेंस आपके सामने है, ठीक है, तो गाइस यार मैं आपसे इसमें बोल सकता हूँ यार, डिटेल उस तरीके का डिटेल नहीं जिसमें आपको पेंसिल को एकदम अच्छे से शार्प करके छोटा छोटा डिटेल्स जाना है, ठीक है। इसमें ना पूरा स्मूथ शेडिंग है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, उसके बाद क्या है ना, डार्क जहां है वहां डार्क है, जहां लाइट है वहां लाइट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसमें शेडिंग की गई है, ठीक है। ओके गाइस, इस ड्राइंग का पहला बेनिफिट ये है गाइस कि ये आपकी स्मूथ शेडिंग को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर देता है, जो लिटरली मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी मॉडरेट आर्टिस्ट है ना, उन लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट होता है यार कि स्मूथ शेडिंग करना, ठीक है। उनको पता होता है यार कहां हमें डार्क करना है, कहां हमें लाइट करना है, ठीक है। लेकिन जब वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं ना गाइस, तो लिटरली क्या होता है ना, स्मूथ अच्छे से बन नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन गाइस, अगर आप इस तरीके की ड्रॉइंग्स करते हो ना गाइस, डेफिनेटली क्या होता है ना, आपका स्मूथ शेडिंग अच्छे से इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गाइस देखो, जो ड्राइंग है ना गाइस, ये टोटली एकदम स्मूथ शेडिंग से ही बना हुआ है, ठीक है। कहीं भी छोटा छोटा डिटेलिंग्स नहीं है कि आपको, मतलब पेंसिल को एकदम अच्छे तरीके से शार्प करना पड़ेगा, छोटा छोटा डिटेलिंग्स बनाना पड़ेगा, उस तरीके का बिल्कुल भी इसमें फंडा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं यार कि ये आपकी स्मूथ शेडिंग को भी इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप, मतलब आपने एक ड्राइंग किया, ठीक है, दोबारा ड्राइंग इसी के रिलेटेड दोबारा एक और ड्राइंग किया, फिर दोबारा एक और ड्राइंग किया, ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जैसे आपने एक ड्राइंग किया ना, उसके बाद आप दो तीन ड्राइंग अलग करो, मतलब और कुछ ड्राइंग करो, उसके बाद दोबारा इसके रिलेटेड वाला ड्राइंग आप थर्ड टाइम करो, ठीक है। ऐसा जब आप करोगे ना, तो आप देखोगे कि एक बार आपने जब किया ना, तो उसका जो इंप्रूवमेंट है ना, वो और जो सेकंड वन और टू ड्राइंग्स है ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और गाइस, जैसे आपका ना स्मूथ शेडिंग एकदम अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगा ना गाइस, तो क्या होगा ना, जब आप कोई भी फेस बनाते हो, यूजुअली जब आपको कमीशन वर्क मिलता है या फिर पोर्ट्रेट मिलता है ना गाइस, तो यार उसमें नॉर्मली क्या होता है, स्मूथ शेडिंग होता है, ठीक है, जो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, ठीक है। सो ये आपकी स्मूथ शेडिंग को भी अच्छे से, मतलब चैलेंज करते समय ना आपको एकदम जोश होगा कि भैया हमने तो वो वाला ड्राइंग किया था, शटर शूट वाला ड्राइंग किया, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं अच्छे से सारा स्मूथ शेडिंग कर लूंगा, ठीक है। सो गाइस यार, अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, ठीक है। अब दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि आपको ना अच्छे से लाइटनेस और डार्कनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है, देखो कोई कभी कभी क्या होता है ना, जब आप कुछ भी ड्राइंग करते हो, तो आप कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। आप क्या करते हो ना, जब आप कोई डार्क करते हो, ठीक है, उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इसके ऊपर भी हमें और थोड़ा डार्क करें कि
कि मतलब ना करें, ठीक है, लेकिन करेंगे तो डार्क, थोड़ा और करेंगे तो बहुत डार्क दिखेगा, अगर नहीं करेंगे तो बहुत लाइट दिखेगा, ठीक है। सो इस तरीके का कंफ्यूजन डेफिनेटली आपको होता है, ठीक है। और एज वेल एज जब आप कोई लाइट शेयर करते हो तो आप सोचते हो भैया थोड़ा सा और डार्क कर दे तो काफी अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन डेफिनेटली आप में होता है, ठीक है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वाला ड्रॉइंग बहुत ही सही है, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, आप देख सकते हो जो आप रेफरेंस मैंने ड्रॉ किया है इसमें आप देख सकते हो डार्क है, ठीक है। डार्क पहले फर्स्ट लेयर डालना है, ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर डालना है, मतलब जब तक उसके रिलेटेड डार्क आप नहीं आ जाता है ना आपके पेपर में, आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, ठीक है। सो इस तरीके से ये डार्कनेस और लाइटनेस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है। और जब बात करें यहाँ लाइटनेस की, लाइटनेस क्या होता है ना, आपको पता चल जाता है यार कि अगर हम फर्स्ट लेयर 2B का यूज करके डाल रहे हैं तो वो एनफ है कि उसके ऊपर भी लेयरिंग डालना है, ठीक है। इसका जो डाउट है वो भी अच्छे से इंप्रूव कर देता है। तो गाइस यार नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, पेशेंस, ठीक है। हाँ मुझे पता है मैंने जितने सारे वीडियोस में डाला सब में भैया पेशेंस वर्ड तो मैंने हर किसी में यूज किया, बिकॉज अगर पेशेंस नहीं तो भैया ठन ठन गोपाल मतलब कुछ भी नहीं हो सकता आपका, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। पेशेंस अगर नहीं है, ठीक है, क्या होता है ना गाइस, जब आप इस ड्रॉइंग को ड्रॉ करते हो ना, अगर आपने एक सेकेंड भी पेशेंस लूज किया, ठीक है, लाइक अगर आप ड्राइंग करते जा रहे हो आपने सोचा कि भैया थोड़ा जल्दी करते हैं ना यार कितना देर लगेगा, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हो, बाद में जब आप देखते हो भाई गलत हो गया, ठीक है। अगर आपने ना एक सेकंड भी इसका पेशेंस लेवल आपने कम किया ना, आपकी पूरी ड्राइंग खराब हो सकती है, ठीक है, जो गाइस आपके पेशेंस को भी बहुत ही इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो मैं आपको बोलना चाहता हूँ अगर आप इस ड्राइंग को करो ना तो आपके पेशेंस को भी ये इंक्रीज करता है, क्योंकि आपको पता है कि यार एक बार ये ड्राइंग खराब हो गया तो भैया खराब हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको रब करने के ऊपर उसके ऊपर दोबारा लेयर डालोगे डेफिनेटली क्या होगा, सराउंडिंग्स का जो लेयर है ना उसके अंदर अच्छे से स्मर्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर खराबी होती है, ठीक है। सो आपको ना ये प्रैक्टिस बन जाएगी कि हाँ भाई मैं ये इस ड्राइंग को कर रहा हूँ तो मुझे पेशेंस रखना है, तो पेशेंस से आप पूरा काम करते हो, एट लास्ट में देखते हो यार आपकी ड्राइंग सक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार इस ड्राइंग का जो बेनिफिट है ना बहुत सारा है, ठीक है। और आपको ना अगर जो रेफरेंस में आपको डाउनलोड करना है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, ठीक है। और आप प्रिंटर्स में जाके आप शटर शूट फोटोग्राफी भी सर्च कर सकते हो, वीडियो को उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आप डेफिनेटली उस ड्राइंग को करो यार, ठीक है। तो गाइज यार कुछ यही पॉइंट्स है इस ड्राइंग के बारे में, ठीक है, इस ड्राइंग के बेनिफिट्स के बारे में जो आपकी शेडिंग को अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं गाइज, ठीक है। सो गाइज यार आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज, अगर आपको अच्छे समझ में आया देन प्लीज यार वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो भाई, शेयर करो यार चैनल को यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल टेक केयर सो मच, बाय, कीप वॉचिंग अक्षय दुबे आर्ट्स, कीप डूइंग रियलिस्टिक, बाय बाय, प्रैक्टिस करो, बहुत ही सही ड्रॉइंग है।